आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। श्रोताओ, स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों पर चर्चा की जा रही है आजकल संगीत सरिता कार्यक्रम में। और श्रोताओ, आप तो जानते ही हैं, ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन। नमस्कार श्रोताओं, पिछले कड़ियों में मैं आपको सुना रही थी कुछ कर्नाटक शैली के रागों के बारे में, जिनके बारे में कुछ मान्यताएं हैं, जैसे कि कतनकुतूहलम, अमृतवर्षिणी और मंगलम, यानी कि सौराष्ट्रम और मध्यमावती रागों के बारे में। तो आज से शुरू करते हुए मैं आपको एक ऐसे वाद्यकार और संगीतकार के बारे में परिचय देना चाहती हूँ जो न केवल दक्षिण के केरला प्रांत में एक जाने माने महाराजा थे, बल्कि एक सुविख्यात कंपोजर और कवि भी थे। इनका असली नाम तो लंबा था, श्री पद्मनाभ दास वंची भूपाल श्री रामवर्म कुलशेखर पेरुमाल, लेकिन लोग उन्हें स्वाति तिरुनाल के नाम से पहचानते हैं। इनका जन्म सन 1813 में तिरुवांकूर राजा के परिवार में हुआ और जन्म का तारीख था 16 अप्रैल। जन्म नक्षत्र स्वाति होने के कारण इनका नाम स्वाति तिरुनाल हो गया। तिरुनाल का मतलब है शुभ दिन और स्वाति तिरुनाल का अर्थ हुआ स्वाति नक्षत्र का शुभ दिन। इनके पिता राजराज वर्मा थे और माताजी का नाम था महारानी गौरी लक्ष्मीबाई। माँ का छोटी उम्र में ही देहांत होने के वजह से स्वाति तिरुनाल का पालन पोषण उनकी चाची पार्वती बाई ने की। अपने 16वीं साल में स्वाति तिरुनाल राजा घोषित कर दिए गए और उनका निधन 25 दिसंबर 1847 में हुआ, यानी कि वे केवल 34 साल जीवित रहे। इस छोटी अवधि में ही उन्होंने न केवल अनेक अति सुंदर कृतियां लिखी, बल्कि अनेक भाषाओं में भी पांडित्य दिखाई। कुछ कृतियां संस्कृत भाषा में हैं, तो कुछ हिंदी में और कुछ मलयालम में हैं। तो मैं आपको इनके हिंदी भाषा में बनाए गए उत्तर भारतीय शैली के रागों में किए गए कुछ कृतियां सुना रही हूँ। इनमें से कुछ ध्रुपद शैली में भी हैं और विशेषता ये है कि इनमें उत्तर और दक्षिण प्रांतों का एक अनोखा मिश्रण मिलता है, जैसे वृंदावनी सारंग, जय जयवंती, दरबारी कानड़ा इत्यादि। और भाषा भी उत्तर की है हिंदी, लेकिन ताल दक्षिण के, आदि ताल, देशादि ताल वगैरह। और इन कृतियों को मृदंग के साथ कर्नाटक शैली में गाएं या तबला के साथ उत्तर भारतीय शैली में गाएं, दोनों में उतना ही आनंद पा सकते हैं आप। तो लीजिए, आज पहले आपको महाराजा स्वाति तिरुनाल द्वारा रचित वृंदावनी सारंग राग में एक कृति सुनाती हूँ जिसमें साहित्य हिंदी भाषा में है। कृति है चलिए कुंजन में तुम हम मिल श्याम हरि। यह कृति 16 मात्र के आदि ताल में निबद्ध है। चलिए कुंजन में, चलिए कुंजन मो, चलिए कुंजन मो, तुम हम मिल श्याम हरी।
राम मिलन श्याम हरि चलिय कुंजन तुम हम मिलन श्याम हरि चलिय कुंजन तुम हम मिलन श्याम हरि जमुना रे बही सुंदर देखो जमुना रे बही सुंदर देखो जमुना रे बही सुंदर देखो जमुना रे बही सुंदर अति निर्भरी छोड़िए कैसे मोगू मैं तो तेरी हाथ धरी चले ये कुंजन मो सुनिए कोयल के बोल सुनिए कोयल के श्रोताओं, ये थी वृंदावन सारंग राग में स्वाति तिरुनाल महाराज की एक कृति। कल इसी क्रम में आपको सुनवाया जाएगा राग धनाश्री। आप तो जानते ही हैं श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग चित्रलेखा जैन का था, तकनीकी सहयोग दिया दिनेश दाभोलकर ने। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक।